हाय गाइस, दिस इज मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम टेस्ट पेपर 17 से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, गिवन है इसमें इन स्क्वायर पी क्यू आर एस, इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 2x + 3 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 3x - 5 सेंटीमीटर, देन एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने रफली एक फिगर बनाया हुआ है। पी क्यू आर एस क्या है? एक स्क्वायर है। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, स्क्वायर है मीन्स इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ओके, गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 2x + 3 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू गिवन है। क्यू आर इज इक्वल टू 3x - 5 सेंटीमीटर, क्यू आर गिवन है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 3x - 5, ट्रांसपोज करेंगे 2x - 3x इज इक्वल टू -5 - 3। 3 को राइट में लेके आएंगे, जो कि प्लस में था माइनस में हो जाएगा। -5 - 3 इज इक्वल टू -8, 2x - 3x इज इक्वल टू -x। माइनस से माइनस दोनों साइड में कैंसिल हो गया, देन हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 8। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से इजीली हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।